नमस्कार सभी को, जय शंकर। सबसे पहले आप ओम शांति लिखे, ओम शांति लिखे आशा रानी के लिए। आपको बता दूं कि आज दोपहर को बड़ा ही एक भयानक एक्सीडेंट सिडको चौक समैलपुर रोड पे हुआ था, जहां माँ और बेटे कठुआ इलाके से ईएसआई हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे कि अचानक एक ट्रक के साथ घटना पेश आई, जहां महिला की बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। आपको बता दूं कि आशा रानी जो अपने बेटे बलवंत वर्मा के साथ कठुआ इलाके से बड़ी ब्राह्मणा के ईएसआई हॉस्पिटल में आए हुए थे दिखाने के लिए, और ये वापस आ रहे थे बड़ी ब्राह्मणा की तरफ की ट्रक के साथ, इनकी कुछ घटना पेश आई, क्योंकि अभी तक पूरा बयान पुलिस के तरफ से वेरिफिकेशन कर पत्रकारों के समक्ष नहीं रखा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल पा रही है कि वो वापस आ रहे थे ईएसआई हॉस्पिटल से बड़ी ब्राह्मणा की तरफ कि एक ट्रक के साथ उनके साथ कोई घटना पेश आती है, जहां उनकी बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ट्रक का नंबर इस समय पुलिस ने ट्रक को अपने कस्टडी में लिया है, वेरिफिकेशन इस समय चल रही है। ट्रक का नंबर आपके समक्ष मैं साझा करना चाहूंगा, JK02AW4537 ट्रक का नंबर है, और मोटरसाइकिल में सवार थे माँ और बेटे। कुछ समय पहले, घंटों पहले मैंने ही वीडियो आपके समक्ष रखी थी, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत थी, उसके लिए हम क्षमा याचना करते हैं, माफी चाहते हैं घर के परिवार से। और आपको बता दूं कि आशा रानी जो बलवंत वर्मा जी की माँ थी, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, ईएसआई हॉस्पिटल में बेटे अपने माँ को लेकर आया हुआ था, और एक बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ समैलपुर रोड फ्लाईओवर में, जहां माँ की ऑन द स्पॉट ही बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, पुलिस बड़ी ब्राह्मणा आती है, और पूरा संज्ञान इस समय लिया जा रहा है किस कारण से पूरी घटना पेश आई है, क्या कारण रहा, क्या वजह रहा। फिलहाल पुलिस जो है बड़े सत्र पर तहकीकात कर रही है। आपको बता दूं कि आशा रानी जो कि रहने वाले कठुआ क्षेत्र इलाके के रहने वाले थे, वो आज बड़ी ब्राह्मणा इलाके में आए हुए थे आशा रानी के जो पुत्र है बलवंत वर्मा के साथ, और ये पूरी घटना पेश आई मोटरसाइकिल के साथ, जहां आशा रानी की बड़ी ही दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उन्हें जम्मू जीएमसी हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है, और पोस्टमार्टम के बाद घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए शव जो है सौंपा जाएगा। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आप आशा रानी के लिए ओम शांति लिखे, महादेव इनकी आत्मा को शांति दे। और मैं लोगों से ही अपील करूंगा, आप जब भी बाइक या गाड़ियां चलाते हैं, हमेशा ध्यानपूर्वक ही आप गाड़ी चलाएं। रिंग रोड हो या बड़ी ब्राह्मणा नेशनल हाईवे, मौत का आंकड़ा आए दिन देखने को मिल रहा है, कार हो रहे हैं, लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। फिलहाल बड़ा ही दुखद समाचार है, आशा रानी और उनके बेटे बलवंत वर्मा ये कठुआ इलाके के रहने वाले थे, और ये बड़ी ब्राह्मणा इलाके में ईएसआई होटल में हॉस्पिटल में आए हुए थे। जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है लोकल लोगों से, पुलिस से, कि ये पूरी घटना पेश आई है फ्लाईओवर वापस आते हुए समैलपुर रोड पे सिडको चौक की ओर आ रहे थे। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, आशा रानी के लिए ओम शांति लिखे, महादेव इनकी आत्मा को शांति दे। और लोगों से यही अपील रहेगी, आप ध्यानपूर्वक ही ये बाइक या गाड़ी चलाएं, जिस तरीके से एक्सीडेंट की वारदात पेश आ रही है। आशा रानी और बलवंत वर्मा कठुआ के डिंगा आम इलाके के रहने वाले थे, जो कि कठुआ क्षेत्र इलाके का गांव है, और ये पूरी घटना आज बड़ी ब्राह्मणा इलाके में पेश आई है। बड़ी ब्राह्मणा पुलिस से भी यही अपील करूंगा, पूरी तहकीकात की जाए, जिस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इलाके में एक्सीडेंट की वारदात पेश आती है, संज्ञान ले। और लोगों से यही अपील रहेगी, आप ध्यानपूर्वक ही यातायात में जब भी आप आते हैं गाड़ी लेकर, छोटी गाड़ी या बड़ी लेकर, हमेशा आप ध्यानपूर्वक ही आप गाड़ी चलाएं, आपकी जान की काफ़ी ज़्यादा कीमती है, हमसे ज़्यादा आपके परिवार के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपका परिवार बैठा होता है, आपके सदस्य बैठे होते हैं जिसे आप काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। फिलहाल ये पूरी घटना पेश आई है, बड़ा ही भयानक एक्सीडेंट हुआ है माता और इनके बेटे का, जहाँ पर माँ की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हुई है। आप आशा रानी के लिए ओम शांति लिखे और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय शंकर।